हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टेलीग्राम। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक हमने जो 6 चैप्टर थे, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन, ऑल थिंग्स वी हैव लर्न केयरफुली। अगर आपने वो अगर चीज़ें नहीं देखी, वीडियोज नहीं देखे, सो आप चैनल पर ज़रूर जाइए और उन वीडियो को भी विजिट कीजिए, ताकि आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, ये सारी चीज़ें किस तरह से होती है, क्या होती है। नाउ यहाँ पर बात आ रही है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है, वो होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, सारी चीज़ें हमने देख ली। नाउ डिस्चार्ज मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना, निकाल लेना, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एग्रीमेंट बनाया है, उसको डिस्चार्ज करना, डिसकंटिन्यू करना, बंद करना। ओके, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज। नाउ उसका मीनिंग भी हम पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या मीनिंग है उसका। व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। टर्मिनेशन करना मतलब क्या, रोक देना, बंद करना। ओके, यहाँ पर उस चीज़ को रुका देना, इसको बोलते हैं टर्मिनेट करना, स्टॉप करना। अभी कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप करना है, यहाँ पर उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे क्लियरली बताया कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। दिस इज बिकॉज व्हेन द पार्टीज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द राइट्स एंड ड्यूटीज इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस वर सेट अप। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन दोज राइट्स एंड ड्यूटीज आर पुट आउट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन डिस्चार्ज। वंस द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज, parties to are in no more liable, even though the obligations under the contract remain incomplete. ओके, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली बताइए कि डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट एक बार हो जाता है, सो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ चीज़ें परफॉर्मेंस बाकी है, फिर भी वो चीज़ हम, वो जो पार्टीज है वो नहीं करेंगी, दे विल नॉट लाइबल फॉर दैट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो चुका है। सो पार्टीज लाइबल नहीं है उनके परफॉर्मेंस वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ इसके बाद हम देखते हैं सर्कमटेंसेस एंड मेथड, कि कौन से ऐसे मेथड है, सर्कमटेंसेस है जिनके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है। ओके, क्या क्या सर्कमटेंसेस है, सो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं, उनको हम वन बाय वन क्लियरली विथ एग्जाम्पल के साथ हम आगे देखेंगे। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सब्स्टिट्यूट एग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड ब्रीच, ये सारी चीज़ें जो है वो हम क्लियरली आगे देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो अपना सर्कमटेंस है, जो मेथड है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। नाउ वेयर बोथ द पार्टीज हैव आइदर कैरियड आउट और टेंडर्ड, मतलब अटेम्प्ट टू कैरी आउट देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिफर्ड टू एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, बिकॉज परफॉर्मेंस बाय वन पार्टी कंस्टिट्यूट द ऑकरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंडीशन, द अदर पार्टीज ड्यूटी टू परफॉर्म ऑल्सो ट्रिक्ड, एंड द पर्सन हु हैज परफॉर्म हैज राइट टू रिसीव द पार्टीज परफॉर्मेंस। द ओवरहेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज इन दिस वे। ठीक है, परफॉर्मेंस यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि परफॉर्मेंस यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपना अपना अदा कर लिया है, एट दैट टाइम दे कैन डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रैक्ट। सबमिटेड एग्रीमेंट मे अराइज इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 अलग अलग टाइप्स है, कि ये जो वेज है जैसे कि नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन, वेवर, ये जो इसके 4 वेज है जो कॉन्ट्रैक्ट बाय सब्स्टिट्यूट एग्रीमेंट ये चीज़ की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है, उसके और 4 वेज है, दैट इज नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन एंड वेवर। नाउ व्हाट इज नोवेशन? नोवेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट है उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ओके, न्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिप्लेस विद अनदर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये वर्ड आप देख ही रहे हो, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई एक चीज़ के लिए कोई दूसरी चीज़ हम ऑप्शन में रखते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो नोवेशन मीन्स व्हाट, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट लाना, पार्टीज दोनों भी सेम है
ठीक है, पार्टीज चेंज नहीं हो रही है, पार्टीज दोनों है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को एग्री कर कर कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाए, रिप्लेस किया विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं नोवेशन। अल्टरेशन मीन्स वॉट? अल्टरेशन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको अल्टर किया है, कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस नहीं किया है, न्यू नहीं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा अल्टर किया है, क्वांटिटी में चेंज किया होगा या फिर अमाउंट में जो कंसिडरेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस किया होगा। ओके, अगर किसी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा चेंजेस लाया, फॉर एग्जाम्पल बी अगर ए से कुछ मटेरियल परचेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स क्लोथ्स परचेस कर रहा है, 100 पीस ऑफ क्लोथ्स, सो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले उसने क्या किया, थोड़ा सा अल्टर किया, मुझे 80 पीस क्लोथ्स ही चाहिए, थोड़ा सा अल्टर किया, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आया। सो एट दैट टाइम जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो जाएगा और नया यहाँ पर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट उसको आएगा, अल्टर किया है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को क्या क्या अल्टर किया है। रिसिएशन एंड वेवर, यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड्स है उनको हम साथ में लेते हैं। कोई भी एक जो ए एंड बी दोनों पार्टीज होते हैं उनके अंदर किसी एक ने अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको मना कर दिया, ओके, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस हुआ, सो एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। ओके, कोई किसी एक ने अपने ऑब्लिगेशंस फॉलो या फिर परफॉर्म करने से मना कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन को उसने क्या किया, ये मुझे एग्री नहीं है फिलहाल के लिए, ओके, सो एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज इफ नॉट इन्फोर्स विद इन द स्पेसिफिक पीरियड कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पर क्या करें कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों हो गया, यहाँ पर डिस्चार्ज क्यों हो गया, बिकॉज स्पेसिफिक पीरियड टाइम में वो जो करना था कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर इंस्टेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सरसाइजिंग राइट टू रिकवर एंड अमूवेबल प्रॉपर्टी इज 12 ईयर्स एंड राइट टू रिकवर द डेब्ट 3 ईयर्स। अब यहाँ पर देखो लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पर 1963 में क्या बताया गया है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को जो भी है, अगर किसी का डेब्ट है तो डेब्ट अगर 1 लाख 2 लाख वॉट एवर जो भी अमाउंट है वो रिकवर करने के लिए पीरियड क्या होता है, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के अंदर उसने रिकवर नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया है, लोन दिया हुआ है, मिस्टर ए ने मैं जो ए है उसको रिकवर नहीं कर पाया है 3 साल के अंदर, ओके, विद इन 3 ईयर्स उसने फॉलोअप नहीं लिया और उसको रिकवर नहीं कर पाया, तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उसके साथ नहीं खड़ी होगी, बिकॉज यहाँ पर 3 ईयर का उनको टाइम दिया है, 3 ईयर के अंदर अगर उसने नहीं पैसा दिया, मिस्टर बी ने अगर उसको जो उसका मनी है वो रिटर्न नहीं दिया, सो विद इन 3 ईयर्स जो मिस्टर ए है उसके ऊपर केस डाल सकता है, ही कैन सुई द केस ऑन बी, बट आफ्टर 3 ईयर्स ही कैन नॉट एबल टू सुई द केस ऑन मिस्टर बी, बिकॉज यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन एक्ट ये बोल रहा है कि 3 साल के अंदर वो डेब्ट रिकवर करना चाहिए। उसी तरह से जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर भी 12 ईयर्स का ये टाइम लिमिट होता है, किसी ने अगर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है सो 12 ईयर्स है उसके बाद कोर्ट उसका साथ नहीं देगी, कोर्ट उसके साथ नहीं खड़ी होगी और उसको बोलेगी कि नाउ इट्स योर टर्न, आप कैसे भी करके जो भी आपका प्रॉपर्टी या फिर डेब्ट है वो आप खुद ही रिकवर कर लेना, हम उसके अंदर आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो एट दैट टाइम जो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम है वो यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उस मेथड के जरिए यहाँ पर डिस्चार्ज हो सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स बिकम टाइम बेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एक्सपायरी ऑफ दिस लिमिटेशन पीरियड। अकॉर्डिंगली इफ द डेब्ट इज नॉट रिकवर्ड विद इन 3 ईयर्स ऑफ इट्स पेमेंट बिकम ड्यू, अ डेब्ट केसेस टू बी पेबल एंड इट्स डिस्चार्जेड बाय लैप्स ऑफ टाइम। उस टाइम यहाँ पर ये 3 साल हो के गए लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया, सो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है। आगे क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस क्या हो सकते हैं, अब यहाँ पर डेथ हो गई किसी
एक पार्टी की डेथ हो गई, ये इम्पॉसिबल है ना, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब उन्होंने किया था, व्हेन दे हैव इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एट दैट टाइम दोनों भी पार्टी मौजूद थी, बट विद इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले एक पार्टी की डेथ हो गई, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पर किसी की एक डेथ हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, बिकॉज एक ही बंदा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, मतलब चेंजेस इन लॉ, लॉ में कुछ चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया कि ये जो फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया का पेड़, ओके, ट्रीज कटिंग के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद गवर्नमेंट का रूल आया कि ट्री काटना मना है, यू कैन नॉट कट द ट्रीज, अगर कट करना है सो आपको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, ये क्राइम है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉ है वो कब चेंज हुआ, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाद, सो लॉ में चेंज हो गया इसीलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ओके। सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बाद में, मतलब इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था लेकिन आगे चलकर क्या हो गया, वो परफॉर्मेंस पॉसिबल हो गया। समटाइम्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश समथिंग माइट ऑकर दो नॉट एट द फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, किसी का भी फॉल्ट नहीं होता, मिस्टर ए भी और मिस्टर बी, किसी का भी यहाँ पे फॉल्ट नहीं होता, वो परफॉर्मेंस होने से पहले, आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन परफॉर्मेंस है होने से पहले कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पर ये चीजें आ सकती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इन फॉलोइंग सर्कमटेंसेस, यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ के तीन अलग अलग और टाइप्स है, सर्कमटेंसेस है, दैट इज इंसॉल्वेंसी, मर्जर एंड अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन। इंसॉल्वेंसी मीन्स वॉट, इंसॉल्वेंसी मतलब जो पार्टी है उसका दिवाला निकल गया, ओके, वो खुद को कंगाल, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो खुद को कंगाल बता रहा है, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो ए का परफॉर्मेंस है उसने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बी का परफॉर्मेंस अभी तक बाकी है, उसका कंसिडरेशन देना बाकी है, लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले उसने अगर बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसने हाथ ऊपर कर लिए, इंसॉल्वेंसी, ओके, इंसॉल्वेंसी उसने बताई खुद की, सो एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। मर्जर, मर्जर मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मर्जर मतलब क्या, कि एक सुपीरियर राइट्स वाला बंदा और एक इंफीरियर राइट्स वाला बंदा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेनेंट एंड ओनर का अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, ओनर एंड टेनेंट, अब उनके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओनर के पास ज़्यादा राइट है क्योंकि उसका वो घर का ओनर है, एंड जो टेनेंट होता है उसके पास कम राइट है। सो अगर टेनेंट जो है उसने वो फ्यूचर में चल के ओनर बन गया, फॉर एग्जाम्पल उसने ही जो प्रॉपर्टी वो खरीद ली, वो ओनर बन गया, सो इन्फीरियर इन्फीरियर जो परफॉर्मर है वो क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, और फिर वो क्या हो गया, मर्ज हो गए, ओके, दो कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो गए, दोनों के बीच में का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया फिर, ओके, इन्फीरियर एंड सुपीरियर राइट्स वाले जो भी दो बंदे हैं वो क्या हो गए, मर्ज हो गए, एट दैट टाइम डिस्चार्ज ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन, अनऑथोराइज मटेरियल मतलब क्या, दो बंदे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में है, एक पार्टी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में अल्टर किया, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, या फिर डिस्काउंट जो है वो कम कर दिया, कोई अगर सेल ऑफ गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट है उनके दोनों के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट में उसने अल्टर किया कि मैं रेट ऑफ का डिस्काउंट जो रेट है वो कम कर रहा हूँ, या फिर इंटरेस्ट का रेट एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, ओके, एट दैट टाइम जो अनदर पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज अनऑथोराइज है, जो भी मटेरियल के अल्टरेशन किए उसने, अल्टर किया है कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलर्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को अल्टर किया है, वो क्या है, अनऑथोराइज है। ऑथोराइज कब हो गए, जब दोनों भी पार्टी एक दूसरे से एग्री होगी, एक ही बंदे ने अगर उसको अल्टर किया सो इट इज कॉल्ड एज अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन, ओके। उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है कि अ पार्टी कैन ट्रीट अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज एंड अदर पार्टी अल्टर्स अ टर्म्स,
कोई भी एक बंदा अल्टर करता है तो वो क्या हो सकता है, अनऑथोराइज मटेरियल अल्टरेशन की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच, ब्रीच ऑकर्स वेयर वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और परफॉर्मेंस इज डिफेक्टिव। यहाँ पर कोई भी एक पार्टी फेल्स हो जाती है, उसके जो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसके ऑब्लिगेशन से वो परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिफेक्टिव हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद वो डिस्चार्ज हो सकता है, उसको बोलते हैं ब्रीच। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच, द ब्रीच में गिव टू एग्रीव्ड पार्टी द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज फॉर द नॉन ब्रीचिंग साइड टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। यहाँ पर कोई भी पार्टी होती है, मतलब उनकी दोनों जो पार्टी होती है, यहाँ पर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस क्या किया, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से वो फॉलो नहीं किए हैं, और दूसरे पार्टी मतलब एग्री मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है या फिर जिसके साथ बैड कुछ हैपन हुआ है वो पार्टी। अभी यहाँ पर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि किसी ने दो ए एंड बी जो पार्टी है दोनों में से किसी ने एक परफॉर्मेंस से पहले जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। ओके, सो उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच। सो एग्रीव मतलब जहाँ जो भी दूसरा बंदा है वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है या फिर उसके ऊपर केस कर सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जिसने डिस्चार्ज किया है। अब उसके अंदर भी यहाँ पर दो चीज़ आती है, दैट इज एंटिसिपेटरी एंड एक्चुअल। सो उसको भी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है एंड एक्चुअल क्या होता है। अब यहाँ पर पहले तो हम एक्चुअल देखते हैं। ओके, एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी, आप इनके दोनों के बीच में का हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। एक्चुअल मीन्स वॉट, एक्चुअल ब्रिज मतलब जो पार्टी है उसने, एक पार्टी ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन होने वाला था, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था एंड 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही जो पार्टी है उन्होंने क्या बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट से मैं ये इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं मना कर रहा हूँ, ये इसको वॉइड कर रहा हूँ, मैं इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। एंड एंटिसिपेटरी मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट के दिन से थोड़े दिन पहले जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर 20 फेब को कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके 2 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के दिन नहीं लेकिन उससे पहले। यहाँ पर उसका एग्जांपल हम देना चाहेंगे तो ए आफ्टर एग्रीइंग टू सेल हिज कार टू बी, यहाँ पर ए ने अपनी कार बी को सेल करने के लिए क्या हो गया, एग्री हो गया, लेकिन जो डेट फिक्स की थी उससे पहले उसने कार किसको सेल की, मिस्टर सी को, बी को सेल ना करते हुए मिस्टर सी को सेल की, तो ए और बी के बीच में का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो गया। नाउ यहाँ पर मिस्टर ए वेट कर रहा था उस दिन का जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसी और से किया और उनके दोनों में दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो एंटिसिपेटरी ब्रीच का एग्जाम्पल है। ओके, सो यहाँ पर मिस्टर बी उसके ऊपर आइदर केस कर सकता है या फिर कुछ भी नहीं कर सकता, उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकता है। ओके, उसके बाद में है अभी जो भी है। सो कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो गया है। नाउ अब यहाँ पर जो एंटीसिपेटरी जो ब्रीच है ये एक्चुअल में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, कैसे। सो यहाँ पर अगर उसने जो कार मुझे बेचनी थी वो सी को बेची, फॉर एग्जाम्पल बी को बेचनी थी तो सी को बेची, लेकिन शायद वो मुझे दूसरी कार दे जिस दिन अपना कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट फिक्स हुआ है, शायद वो उस दिन मुझे कोई दूसरी कार ला के दे, तो तब तक वो वेट कर सकता है। तो वो क्या हो गया फिर, जिस दिन एग्रीमेंट होने वाला था उस दिन, अगर उस दिन तक उसने वेट किया तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। सो एंटिसिपेटरी ब्रीच को अगर उसी दिन परफॉर्म नहीं किया सो वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट इनटू एक्चुअल। ना एक्चुअल क्या है वो फिर एक बार हम देखते हैं कि एक्चुअल ब्रीच रिफर्स टू द फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस, फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू, फेलियर टू परफॉर्म ऑब्लिगेशंस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रीच।
वेयर इन सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स बाय द अपॉइंटमेंट टाइम। जबको यहाँ पर जो अपॉइंटेड टाइम जो था, अपॉइंटेड जो टाइम, और वेयर ऑल्दो डिलीवर द गुड्स आर नॉट अप टू द मार्क इन रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के दिन ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रिच, कॉन्ट्रैक्ट खंडित हो गया। ओके, उसने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने से मना कर रहा है, या फिर वो क्या बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, आपके साथ नहीं करना चाहता। सो ये क्या हो जाएगा, वहां पर डिस्चार्ज हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी बताया यहाँ पर कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसने क्या किया, क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंप्लीट नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल 1000 पीस का अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट है, उसका 1000 पीस का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो डेट है वहां तक उसने 1000 पीस कंप्लीट नहीं किए। ओके, सो वहां पर वो डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर उसने कंप्लीट किए लेकिन क्वालिटी उस तरह से नहीं थी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, सो एट दैट टाइम वो डिस्चार्ज हो सकता है। मतलब परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया डायरेक्टली, जो भी उसका परफॉर्मेंस है उसने उसको हाथ ऊपर कर लिए कि मैं परफॉर्मेंस अपना कंप्लीट नहीं कर सकता। ओके, सो इसी को बोलते हैं एक्चुअल ब्रिच। सो इस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के ये सारे मेथड्स थे, सरकमटेंसेस थे, जहाँ पर ये इन सारी चीज़ों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ पर कोई भी मतलब दोनों पार्टी के फॉल्ट हो सकते हैं, किसी एक पार्टी से के फॉल्ट हो सकते हैं, या फिर किसी के भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सरकमटेंसेस आते हैं, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस बीच में आते हैं, उनका फॉल्ट होता है, सो उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। इस चैनल सो के इसी ऊपर तरह आपको से काफ़ी सारे मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल और भी बीकॉम के कुछ एमकॉम के सिलेबस, इकोनॉमिक्स वगैरह सारे सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि आप जो नॉलेज ले रहे हो और भी कोई बंदा आपसे आपके ज़रिए नॉलेज ले पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।